दोस्तों यहां पर आपको समझने की जरूरत है, कई बार आप लोग ये सोचते हो कि मंदिरों में इतना डोनेट किया जाता है, ये पैसा जाता कहां है आखिर। एक मुस्लिम कपल जिनका नाम है सुबीना बानो और अब्दुल गनी, इन दोनों ने मिलकर तिरुमाला मंदिर ट्रस्ट को 1.02 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। रमाकांत, रामपति, रमन राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, अशोका, कृष्ण, दरअसल ये सारे नाम भगवान विष्णु के ही हैं। आप इन सभी को भगवान विष्णु का ही अवतार भी बोल सकते हो। इन सभी अवतारों में से एक अवतार है जिनका नाम है भगवान वेंकटेश्वर, और उनका ये मंदिर है जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। इस मंदिर को हम लोग तिरुमाला टेम्पल के नाम से जानते हैं। इस मंदिर को आंध्र प्रदेश के अंदर तिरुपति में स्थित होने की वजह से तिरुमाला तिरुपति मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे इस मंदिर के इतिहास के बारे में। दरअसल ये मंदिर अभी न्यूज में इसलिए आ गया है, इस मंदिर ने अभी हाल ही में अपनी संपत्ति को उजागर किया है और इसमें यह बताया है कि 85,700 करोड़ रुपए की अभी तक की इस मंदिर की संपत्ति है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इतिहास की। देखिए इस मंदिर का इतिहास जुड़ा हुआ है पल्लव वंश से। उस टाइम पर पल्लव वंश की एक रानी हुआ करती थी जिनका नाम था रानी सामावई। रानी सामावई के द्वारा इस मंदिर के लिए दो जमीन के हिस्से दिए गए थे। एक जमीन का हिस्सा था 10 एकड़ और दूसरा हिस्सा था 13 एकड़ का। ये दो बार में जमीनें दी गई थी और इसके अलावा उनके द्वारा कई सारे आभूषण भी दिए गए थे इस मंदिर की देखभाल करने के लिए। उसके बाद से पूरे पल्लव वंश में इस मंदिर को पूजा गया। चोल वंश जब 10वीं शताब्दी में आया तो उस पूरे वंश के द्वारा भी इस मंदिर में पूजा करी गई, और इसके बाद जब विजयनगर साम्राज्य आया तो पूरे विजयनगर साम्राज्य में जो चारों डायनेस्टीज थी वहां पर भी इस मंदिर की पूजा करी गई। विजयनगर साम्राज्य के सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक राजा कृष्णदेव राय के द्वारा भी डोनेशन स्वरूप बहुत सारे सोने के सिक्के और आभूषण दिए गए थे। इसके अलावा मराठा साम्राज्य में एक जनरल हुआ करते थे, उनका नाम था राघोजी भोसले। जब राघोजी भोसले ने अपने कार्यकाल में इस मंदिर को विजिट किया था तो उनके द्वारा अंततः वहां पर एक कमेटी सेटअप करी गई, और कमेटी से यह कहा गया कि आप लोग एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इस मंदिर के लिए बनाइए कि यहां पर जितना भी दान वगैरह आता है, जितनी भी इस मंदिर की संपत्ति है, उसका लेखा जोखा वो रखे और मंदिर का संचालन अच्छे तरीके से और धार्मिक तरीके से प्योरली चलाया जाए। तो ये तो एक संक्षिप्त इतिहास हो गया इस मंदिर का। अब यह मंदिर अभी न्यूज में इसलिए आ गया है कि इस मंदिर के ट्रस्ट के द्वारा 85,705 करोड़ की संपत्ति अभी अनवील करी गई है। दोस्तों यहां पर आपको समझने की जरूरत है, कई बार आप लोग ये सोचते हो कि मंदिरों में इतना डोनेट किया जाता है, ये पैसा जाता कहां है आखिर। तो इस वीडियो में उसी की बात करेंगे। देखिए ये पैसा अल्टीमेटली हमारे पास घूम के आ जाता है, कैसे आ जाता है उस पर बाद में बात करेंगे। पहले इस मंदिर के बारे में बात कर लेते हैं कि अभी ट्रस्ट ने क्या क्या चीजें डाइवर्ज करी है। पहली चीज तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो संपत्ति का अमाउंट है वो इन्होंने 85,705 करोड़ अनवील किया हुआ है। इसके अलावा जो ट्रस्ट के चेयरपर्सन है इस टाइम पर वाई बी सुब्बा रेड्डी, इन्होंने ये चीज डिस्क्लोज करी है कि जो तिरुमाला टेम्पल ट्रस्ट है इसकी पूरे देश भर में 960 प्रॉपर्टीज हैं इस टाइम पे, और अगर एरिया की बात करी जाए तो 7,123 एकड़ का पूरा एरिया है, और टोटल अगर संपत्ति मिला दी जाए तो यह आती है। इसके अलावा इस ट्रस्ट का यह भी कहना है कि आने वाले टाइम में बहुत जल्दी नवी मुंबई के अंदर 10 एकड़ प्लॉट में एक और नया मंदिर बनाया जाएगा जिसकी वर्थ होगी 500 करोड़। तो ये आने वाले प्लान्स हैं इस मंदिर के ट्रस्ट के। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ और बातें करते हैं जो कि ट्रस्ट के द्वारा डाइवर्ज करी गई है। वाई बी सुब्बा रेड्डी जो कि ट्रस्ट के चेयरपर्सन है, इनका यह भी कहना है 1974 से लेकर 2014 के बीच में आज तक मंदिर की 113 प्रॉपर्टीज डिस्पोज भी हुई है गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट की वजह से। जी हां, आप इमेजिन कर सकते हो, मतलब जो अभी संपत्ति है उस टोटल संपत्ति में से 113 प्रॉपर्टी ऑलरेडी डिस्पोज्ड हो चुकी है, तब इतनी संपत्ति है। और साथ में यहां पर इन्होंने यह भी वेरीफाई किया है कि 2014 से लेकर आज तक कोई भी मंदिर की प्रॉपर्टी डिस्पोज्ड नहीं हुई है। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ नए प्लान भी इस मंदिर के ट्रस्ट के द्वारा लिए गए हैं, जैसे कि अब मंदिर के ट्रस्ट ने फैसला लिया है कि हर साल मंदिर ट्रस्ट के व्हाइट पेपर्स को रिलीज करेंगे। हालांकि पिछले साल ये व्हाइट पेपर्स रिलीज कर चुके हैं, अब से हर साल ये व्हाइट पेपर रिलीज करके अपनी वेबसाइट पर अपलोड भी करेंगे। इस व्हाइट पेपर का सीधा सा मतलब ये होगा कि आपको बताना, जितने भी भारत की जनता है उस सभी को बताना कि आपके मंदिर में कितना और वैल्यू ऐड हो गया है, मतलब मंदिर की जो संपत्ति है वो कितनी और बढ़ गई है, और मंदिर के द्वारा अगर किसी भी जगह पर डोनेशन दिया गया है तो कितना पैसा दिया गया है। मतलब ये एक तरीके से ट्रांसपेरेंट चैनल बनाया जाएगा और जिसका नाम रखा गया है
व्हाइट पेपर। तो व्हाइट पेपर के आधार पर, व्हाइट पेपर एक ऐसा डिजिटल डॉक्यूमेंट होगा जो आप सभी के समक्ष मंदिर ट्रस्ट अब से हर साल रखा करेगा। अभी देखिए सवाल उठता है कि मंदिर इस पैसे का करते क्या है आखिरकार, इतनी ज्यादा संपत्ति है, इस संपत्ति का आखिरकार होगा क्या। देखिए ये सेम उसी तरीके से है जैसे कि आपकी जरूरतें आपको बड़ी कम लगती है क्योंकि आपकी एज अभी कम है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी और आप अगर कोई सोशल कार्य करोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ जिस अमाउंट की आपको जरूरत है वो सोशल कार्य को करने के लिए तो बहुत छोटा सा अमाउंट है। इसी तरीके से मंदिरों के पास ये संपत्ति आपको भले ही ज्यादा लग रही हो लेकिन कल को समाज को अगर जरूरत पड़ती है किसी भी चीज की तो ये मंदिर उसी तरीके से तत्पर रहते हैं डोनेट करने के लिए। जी हाँ, इस न्यूज को कवर भी किया गया है कई सारे चैनल्स के द्वारा, कई सारे मीडिया चैनल्स ने इसको लाइव भी किया था। उस टाइम पे बात कर रहा हूं मैं कोविड पैंडेमिक की और उस टाइम पर ओपी इंडिया के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। यहां पर उन मंदिरों की लिस्ट है जिनके द्वारा उस टाइम पर डोनेशन किए गए थे, जैसे कि सोमनाथ मंदिर के द्वारा यहां पर डोनेशन किया गया था, सोमनाथ मंदिर के अलावा कांची मठ के द्वारा किया गया था, कांची मठ के बाद महावीर मंदिर ट्रस्ट, यहां पर आप देख सकते हो 1 करोड़ रुपए इन्होंने डोनेट किए थे। ये सब पीएम केयर फंड में ही ट्रांसफर किया गया था अमाउंट। इसके अलावा माता वैष्णो देवी मंदिर जो है इनके द्वारा भी डोनेट किया गया था। साथ में माता वैष्णो देवी मंदिर का जो श्रीन बोर्ड है, श्रीन बोर्ड के द्वारा जो आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स बनाया गया है उसको उन्होंने पूरे तरीके से खोल दिया था, डोनेट कर दिया था कि आप इसको भी यूज कर सकते हो। और इसके अलावा 600 बेड दिए गए थे कोविड पेशेंट्स के लिए। देन आ जाता है आपका महामाया मंदिर ट्रस्ट, इनके द्वारा 5,11,000 डोनेट किए गए एक जगह और दूसरी जगह पर और भी कई सारी चीजें डोनेट करी गई। सोमनाथ मंदिर मैं आपको बता ही चुका हूं, गुजरात वाला, इन्होंने 1 करोड़ रुपए डोनेट किए थे। अंबाजी मंदिर, इन्होंने भी 1 करोड़ रुपए डोनेट किए थे। इसके बाद आ जाते हैं साई बाबा संस्थान ट्रस्ट, इन्होंने 51 करोड़ रुपए डोनेट किए थे। जी हाँ, इन सबको केवल ओपी इंडिया ने ही नहीं द हिंदू ने भी प्रकाशित किया था, आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो। तो दोस्तों तभी मैंने आपको बोला मंदिरों के पास जो ये पैसा है ये कहीं ना कहीं घूम फिर के सामाजिक कार्य में ही लग जाता है। ये मंदिर हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं, ये संस्थान जितने भी धार्मिक संस्थान है ये सब हमारे पीछे उसी तरीके से डट कर गार्जियन की तरह खड़े रहते हैं जब एक बच्चे को जरूरत पड़ती है। चाहे आप गुरुद्वारों की बात कर लें, गुरुद्वारों में आप हमेशा देखते हो 24/7 लंगर चलता रहता है। क्यों चलता रहता है? वो पैसा कहां से आ रहा है? वो डोनेशन का ही तो पैसा है। समाज का एक तबका पैसा दे रहा है मंदिर को डोनेशन स्वरूप और मंदिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है जो कि नीडफुल लोग हैं। इस तरीके से भारत की भव्यता और खूबसूरती आप इस तरीके से समझ पाएंगे कि अभी हाल ही में 21 सितंबर 2022 को एक मुस्लिम कपल जिनका नाम है सुबीना बानो और अब्दुल गनी, इन दोनों ने मिलकर तिरुमाला मंदिर ट्रस्ट को 1.02 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं, जिसमें से 87 लाख रुपए फर्नीचर के लिए दिए गए हैं। यह सारा 87 लाख रुपए का फर्नीचर जो है यह अभी हाल ही में खुला पद्मवती रेस्ट हाउस है जो कि इसी मंदिर ट्रस्ट का है, उसमें फर्नीचर इंस्टॉल किए जाएंगे और बाकी 15 लाख की डीडी गई है जो कि अन्ना प्रसादम ट्रस्ट के लिए है। जी हां, यही तो भारत की खूबसूरती है। यहां पर जितने भी धार्मिक संस्थान है वहां पर डोनेशन करने से पहले कोई भी व्यक्ति अपना धर्म नहीं देखता है। अभी हाल ही में सेंटर फॉर सोशल इंपैक्ट एंड फिलेंट्रोफी की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि अक्टूबर 2020 से लेकर सितंबर 2021 के बीच में भारत के अंदर 23,700 करोड़ रुपए डोनेट किए गए हैं। और आपको जानकर अचंभा होगा कि इस 23,700 करोड़ रुपए के अमाउंट में 64% अमाउंट सिर्फ धार्मिक कार्यों में दिया गया है। जी हां, यहां पर सिर्फ एक धर्म विशेष की बात नहीं हो रही है, ये जो 64% अमाउंट है 23,700 करोड़ का ये भारत के अंदर सभी धर्मों को मिलाकर है। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जितना भी धार्मिक कार्यों में दिया गया पैसा है 23,700 करोड़ का 64% का अमाउंट, ये सब ज्यादातर जो इसका मेजोरिटी अमाउंट है ये मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिलीज से दिया गया है। तो ये है भारत में इस टाइम पर पैटर्न डोनेशन का, जिससे कि आपको समझ आ जाएगा कि मंदिर ट्रस्ट हो या फिर मस्जिद ट्रस्ट हो या फिर गुरुद्वारा ट्रस्ट हो, वहां पर डोनेशन देने के फायदे क्या हैं। ये कहीं ना कहीं इंसानियत के कार्य के लिए ही वो पैसा घूमकर आपके पास आ जाता है। जी हां, अब वो बात नहीं रही है कि आपको लगे कि एक पर्टिकुलर तबका ही उसका फायदा उठा रहा है। नहीं, हर एक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, हर एक जगह पर एसोसिएशंस बने हुए हैं, उनके ट्रस्ट बने हुए हैं जो कि कानूनी नियमों पर चलते हैं और ट्रांसपेरेंसी के साथ वहां पर हर दिन के हिसाब से जो आपका पैसा दिया जाता है वो कलेक्शन स्वरूप जाता है और हर एक चीज अब डाइवर्ज करी जाती है। जैसे कि अगर माता वैष्णो देवी मंदिर की बात कर लें तो वहां पर भी श्रीन बोर्ड इन सब की जिम्मेदारी लेता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप लोग भारत बायोटेक को तो जानते ही होंगे।
भारत बायोटेक वो कंपनी है जिसने पहला इंडिजिनस कोविड वैक्सीन भारत में बनाया था, जिसका नाम था कोवैक्सीन। ये कंपनी जिसने अभी हाल ही में इस मंदिर को 2 करोड़ रुपए डोनेशन स्वरूप दिए हुए हैं। तो अंततः बस मैं यही कहना चाहूंगा, इस तिरुमाला मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर जो विराजमान है वो बेसिकली भगवान विष्णु का ही अवतार है, और ये अवतार भगवान विष्णु ने इसलिए लिया हुआ है कि कलयुग में होने वाली जितनी भी दुविधाएं हैं, समस्याएं हैं आपके लिए, उन सभी से वो आपको छुटकारा दिला सके। भगवान वेंकटेश्वर आप सभी की रक्षा करें और आप सभी को सफलता तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।